लियोन, मैं यहाँ पर हुनर हाट में हूँ और यहाँ पर कुछ मार्बल्स की बनी हुई एक से एक डिज़ाइन की हुई अलग अलग चीज़ें कि आपको चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ज़रा इसे दिखाएं और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये हम इस शॉप के जो मालिक हैं या जो भी इसके ऑपरेटर हैं या बनाने वाले हैं उनसे बातचीत आप लोगों के सामने दिखाएंगे, बताएंगे कि इसको बनाने में और कौन से पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर इन लोगों का क्या अनुभव है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनवर खान है। अनवर खान साहब कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश आगरा से। ये जो आपका बना हुआ है ये कौन से पत्थर का बना हुआ है? ये मार्बल में और स्टोन में, जो ताजमहल में जो वर्क है ना वही चीज़ है। उसको हमें ना पुश्तैनी कर रहे हैं, उसको हमको रेगुलर जनरेशन टू जनरेशन इसी काम में लगा हुआ है। ये सारा हाथ से बनता है। आज के टाइम में ये इतना बारीक काम और इतना क्या कहते हैं खूबसूरत और मेहनत का काम है, लोगों के बीच में इसके खरीदार हैं? हाँ, इसके खरीदार हैं लोगों के बीच। जो इसकी जानकारी है, जिसको मेहनत की कदर है, वो लोग खरीदते हैं और ये हुनर हाट के जरिए ना लोगों तक ज़्यादा पहुँच रहा है। जब से ये हुनर हाट लगा है तो हम लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल मिलता है तो हमें मौका मिला है इसे करने का। आप हुनर हाट में पहली बार आए हैं? हुनर हाट में मैं पहली बार आया हूँ। क्या सा तजुर्बा रहा है आपका? बहुत बढ़िया है, अच्छा चला है। कस्टमर खरीद रहा है? हाँ, कस्टमर खरीदता है। जिन लोगों को जानकारी हमारे आइटम की, हमारे क्राफ्ट की, मेहनत की, वो सब कस्टमर खरीदता है। शोरूम से और यहाँ आपके हुनर हाट में रेट में कितना फर्क? बहुत फर्क है। जैसे करीब 50-60% का फर्क है। हमसे लेकर बेचते हैं शोरूम वाले, हम लोग बनाते हैं, शोरूम वाले नहीं बनाते। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट बेच रहे हैं। आप हुनर हाट में फिर दोबारा आना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका मिलेगा तो जरूर। गवर्नमेंट की इस कोशिश को क्या किस नज़र से देखते हैं? बहुत बढ़िया कोशिश है, ये बहुत अच्छी कोशिश है कारीगर के लिए, आर्टिजन के लिए, और डायरेक्ट आर्टिजन जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे ऐसी योजना निकाले लोगों के लिए जिससे कस्टमर को ही फ़ायदा होए और आर्टिजन को ही फ़ायदा होए। ये योजना उसके लिए है सारा, तो डायरेक्ट आर्टिजन अपना आइटम बना रहा है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचा रहा है, ना कि बीच में कोई शोरूम खोल के बैठा हुआ है तो उसको दे रहा है तो फिर शोरूम वाला अपनी रेट लगा के दे रहा है कस्टमर को महंगा। उससे गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, मोदी जी का जिन्होंने ये स्कीम निकाली, और मुख्तार अब्बास नकवी जी का जो कार्यालय मंत्रालय के जो कोई कमी नहीं, हमें तो कोई कमी नहीं, धन्य है। इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है हमारे लिए सब कुछ, और हमें और उल्टे पैसे देते हैं ये यहाँ पर बुला के 1200 अप्रोच के हिसाब से हम पेमेंट भी करते हैं सर, और टिकट का भी पैसा देते हैं एक तरफ को आने जाने का। आज के टाइम में ये जो पत्थर वगैरह है ये भी तो काफ़ी महंगे होंगे? जो काफ़ी महंगे हैं क्योंकि पत्थर बाहर से भी आता है और हमारे इंडिया में भी काफ़ी पत्थर निकलता है, तो ये सारे लोग हम ना यूज़ करते हैं पत्थर, जो ये सारे जेम स्टोन वगैरह है अफगानिस्तान से भी आता है, समंदर का जो निकलता है सारा इंग्लैंड वर्क का जो ताजमहल में वो चीज़ फिटिंग करते हैं। तो बाहर से आने वाले पत्थर पर ड्यूटी महंगी पड़ती होगी तो वो फिर काम भी बहुत महंगा पड़ेगा? हम लोगों को महंगा मिलता है ना फिर वो, जैसे जो लोग क्या चीज़ है जो आपने बनाई हुई है जो बाहर के पत्थर की बनी हुई है? ये इटालियन मार्बल है, ये बाहर से आता है, इटली से आता है। अच्छा। हाँ, ये पत्थर ही 200-150 रुपये किलो मिलता है। तो ये जो बाहर से पत्थर आ रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगे कि भाई हमें ये इसके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह कम हो तो फिर हमें रेट कम मिलेगी वहाँ से, जैसे उन लोगों को मगर महंगा पड़ गया तो वो अपना भी लगा के देते। इटालियन पत्थर की क्वालिटी क्या कुछ हमारी इंडियन पत्थर से कोई ज़्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, हमारा पत्थर बेहतर है, उसकी उसकी वाइटनेस ज़्यादा है और हमारा जो है ना हार्ड पत्थर है, जो मकराना मार्बल का जो राजस्थान में निकलता है ना वो ज़्यादा हार्ड है, वो अच्छा पत्थर है, इसमें शो ज़्यादा है और हमारे पत्थर में मजबूती ज़्यादा है इंडिया के पत्थर में जो है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट की इस कोशिश को? बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कोशिश के लिए, जो इतने लोगों को जो ऑल ओवर इंडिया से लोग क्राफ्ट में आए उनको डायरेक्ट मौका मिला जी करने का। अगली बार आप हुनर हाट में आना पसंद करेंगे? अगर ये लोग बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, बिल्कुल। और यहाँ की जो पब्लिक है दिल्ली की खासकर, उनके लिए क्या कहेंगे? ये तो पब्लिक बढ़िया ही है दिल्ली की, तो दिल्ली तो दिल वालों की सर इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, दिल्ली दिल वालों की है। तो आपने देखा कि यहाँ पर पत्थर के बने हुए अलग अलग तरीके के आइटम जो कि इटालियन पत्थर से भी बने हुए हैं और इंडियन पत्थर से भी बने हुए हैं। मैं आरिफ जमाल, कुतुब मेल के लिए दिल्ली से। नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।